करना होगा कि आपके इलाके में, आपके पास पड़ोस में अगर हमारा कोई नौजवान, हमारा कोई साथी, हमारा कोई पड़ोसी अगर इस तरह से नशाखोरी में मुब्तला हो गया है तो उसकी जहन साजी करके सामाजिक तंजीमों की मदद लेके उनको उस नशाखोरी से निकाला जाए और नए हमारे नौजवान नशाखोरी की तरफ आगे ना बढ़े, उनको भी उनकी जहन साजी करने का काम आप लोग को करना चाहिए। क्योंकि एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है जनदली भाई, मैं बार बार ये सोचता हूँ कि अकेले इलाकों में ही इस तरह से नशाखोरी की तरफ हमारे नौजवान क्यों बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बड़ा सोचने का, संजीदगी के साथ महसूस करने का और सोचने का ये मरहला है और मामला है। क्योंकि जिस तरह से चाहे ट्रॉम्बे हो, देवनार हो, चीता कैंप हो, कुरला 9 नंबर हो, जोगेश्वरी हो, कुरला के अलग अलग इलाके हो, यहाँ पर जानबूझकर नशाखोरी का धंधा तिजारत करने वाले लोग बहुत ज्यादा घुसते जा रहे हैं। नशाखोरी का काम ज्यादा से ज्यादा करवाया जाए ताकि हमारी नस्ल खराब हो सके, कमजोर हो सके, हमारे नौजवान तबाह और बर्बाद हो सके। आप जरा अंदाजा लगाइए, आप अपने इलाके में मुशाहिदा कीजिए कि आपके इलाके में अगर कोई एक नौजवान भटक गया है, गुमराह हो गया है और नशाखोरी की लत में शामिल हो गया है, शरीक हो गया है, तो वो तो उसकी जिंदगी बर्बाद और तबाह होती ही है। उसी के साथ साथ उसके वालदैन, उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब, उनके ऊपर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। पूरा घर, पूरा खानदान मायूस हो जाता है, मायूसी की तरफ आगे बढ़ता है। ऐसी ताकतों से लड़ाई लड़ने का काम, नशाखोरी के खिलाफ मुहिम चलाइए और उस मुहिम में नसीम खान आपको पूरी तरह से साथ देगा। नशाखोरी को खत्म करवाना चाहिए, खत्म करवाना चाहिए। कानून है, महकमा है, डिपार्टमेंट है, पुलिस है, सबकी मदद कीजिए। पहले समझाइए, अगर नहीं मानते हैं तो पुलिस की मदद कीजिए। लेकिन नशाखोरी का धंधा, नशाखोरी का तिजारत जहां पे जिस मोहल्ले में भी होता हो उसको खत्म करवाइए और जो हमारे नौजवान नशाखोरी के अंदर मुब्तला है उनकी काउंसलिंग करके, उनकी जहन साजी करके उससे निकाल कर एक अच्छे रास्ते पर चलने का, खड़ा करने का काम, करने का काम भी मुझे लगता है कि यूथ कांग्रेस के लोगों ने ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको करने का काम करना चाहिए। ताकि क्योंकि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल, ये मुल्क कि वो मुस्तकबिल है हमारे आज के नौजवान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सभी जात और धर्म और मजहब के लोग, खास करके नौजवान तबका जो होता है वो आज इस हालत में है कि मुल्क की सियासी हालत को बदलने की ताकत रखता है। तो जो फैसला कर सकता है, अच्छे दिन वालों की सरकार नौजवानों को गुमराह करके सोशल मीडिया के जरिए 2014 में इस मुल्क की कुर्सी पर आकर विराजमान हो गए, बैठ गए, जिन्होंने इस देश को 4.5 साल में बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। आज हिंदुस्तान को 20 साल पीछे ढकेलने का काम मोदी जी की सरकार ने इस देश में, इस मुल्क में गलत फैसले लेके किया है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आने वाली 2019 के अंदर इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने तय किया है कि इसको उखाड़ फेंकना है। और इसकी शुरुआत आपने देखा कि पिछले दिनों रियासत में 5 रियासतों के जो इलेक्शन हुए, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, वहां की आवाम ने कर दिखाया है और इनका तख्ता पलट करने का काम शुरू हो गया है। 2019 में इनके जनाजे में आखिरी खेल ठोकने का काम हिंदुस्तान का हर शहरी, हर हिंदुस्तानी करेगा, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। तो इसीलिए मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सारे लोग मिलजुल कर इलाके की फलाह बहबूदी के लिए, इलाके की तामीर और तरक्की के लिए आगे आए और लोगों को किस तरह से हम साथ दे सकते हैं, किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनको मदद कर सकते हैं, अगर कहीं भटक गए हैं, रास्ते से भटक गए हैं, तो उनको सही रास्ते पर समझा बुझा कर लाने का काम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। एक सामाजिक माहौल अच्छा बने और ताकि इलाके का तामीर और तरक्की की राह पर आगे ले जाने में एक अच्छा माहौल बनाया जा सके, इसकी भी कोशिश हम सबको, आप सबको करते रहना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए आप सबको
खास करके सोपियान को और इस तालुके की डिस्ट्रिक्ट तालुका यूथ कांग्रेस के सभी अपने साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सभी नौजवानों ने मिलकर एक अच्छी टीम यहां पर तैयार की है सोपियान की क्यादत में। और हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो अभिजीत मिस्त्री है वो भी बहुत ही अभिषेक मिस्त्री बहुत ही तेज और तर्रार नौजवान यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का यूथ कांग्रेस का हमारा प्रेसिडेंट है जो हर अच्छे बुरे वक्त पर हर इलाके में सब जगह पहुंचकर लोगों को मदद करने का काम करता है, लोगों को हर तरह से सपोर्ट देने का काम करता है। कांग्रेस की यही तारीख रही है, कांग्रेस के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर लोगों का साथ देने का काम किया है। किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, हत्तलपी हो रही है तो उसको साथ देने का काम किया है, वो काम ये सारे नौजवान मिलजुल कर रहे हैं। इनको साथ देने का काम चीता सेन की आवाम ने करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप सारे लोग चाहे यहाँ के बुजुर्ग हो नौजवान हो सारे लोग मिलजुल कर काम करें। बाकी आज की सियासत आज के हालात आज के माहौल आप सारे लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। आप सारे लोग समझदार हैं, आने वाले दिनों में बहुत पुराना शेर है कि मुंतशिर हो गए तो मिट जाएगा वजूद, मुत्तहिर हो गए तो ठोकर में जमाना होगा। अभी हम बात करेंगे खान साहब से। सलीम साहब, सुफियान शेख के लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है आपकी तरफ से? नहीं, हमारा इस तालुके के वो वर्किंग प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस के, अच्छा काम कर रहे हैं, युवकों की एक अच्छी टीम उन्होंने तैयार की है और लोगों के बीच में लोगों को मदद करने का काम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लीडरशिप यूथ कांग्रेस की कर रहे हैं। अभी फिलहाल कांग्रेस 3 स्टेट में विन हुई है, उसके बारे में क्या ख्याल है? लोगों को सच्चाई पता चल चुकी है, मोदी जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2014 के पहले देश के आवाम से देश की जनता से जो झूठ बोल के झूठे वादे करके सत्ता हासिल की थी और 4.5 साल 4.75 साल होने को आ रहा है, अब पर्दे से निकाब उठ चुका है, चेहरे से निकाब उठ चुका है, झूठ की उनकी पोल खुल चुकी है। लोग आज चाहे यूथ हो, महिला हो, फार्मर हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, हर क्षेत्र में हर सतह पर लोगों को तकलीफ हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई अपने आप में एक सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में बन गया है, तो कहीं ना कहीं हर सतह पर हर क्षेत्र में ये सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो फेल रही है। आज लोगों को सच्चाई पता चल चुकी है और लोग अपना फैसला कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का 5 के 5 स्टेट में सफाया हो गया है, तो आने वाले दिनों में भी यही हालत महाराष्ट्र की होगी, यूपी की होगी, बिहार की होगी, सभी स्टेट में यही होने वाला है। ईवीएम स्कैम के बारे में क्या बोलना है, मतलब ईवीएम स्कैम एक्चुअली है, क्योंकि राहुल साहब ने अभी तक ना उनके स्टेटमेंट में कभी ईवीएम स्कैम के बारे में बताया नहीं है, बाकी सभी बोलते हैं लेकिन राहुल साहब ने कभी ऐसा बोला नहीं है, तो आप क्या मानते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ जो जिस तरह से घटनाएं घटती हैं, जिस तरह से ईवीएम को वोटिंग होने के बाद 24 घंटे छुपा के रखा जाता है, लेट डिपॉजिट किया जाता है मशीनों को, मशीनों में कहीं ना कहीं जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें अलग अलग गलत तरह से वोटिंग पड़ती है वो दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश बनी हुई है। आज पूरे देश को ऐसा लगता है कि ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है या गड़बड़ी हो रही है, तो ये भी परसेप्शन बनना डेमोक्रेसी में इस देश के लिए खतरनाक है, इलेक्शंस के लिए खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। उसको मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी फैसला करना चाहिए और इसको बंद कर देना चाहिए। जब सभी पार्टियां देश में मांग कर रही हैं तो बंद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसमें चिप का सिस्टम है तो अगर किसी चीज़ में चिप लगती है तो उसको टेम्परिंग करने की गुंजाइश रहती है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, मुझे नहीं पता है बहुत ज़्यादा उस बारे में, लेकिन लोगों को जब एक शक हो गया है, लोगों को जब और देश में एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, कि मशीन में कहीं ना कहीं टेम्पर किया जाता है या हो सकता है, तो वो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। सर, संबित पात्रा के बारे में क्या बोलना है, एक मतलब एक टीवी डिबेट में हमेशा वो मतलब अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं, मतलब हमेशा राम मंदिर या फिर ऐसा कोई मुद्दा लेके आते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, मेन मुद्दे पर नहीं रहते, मुद्दे को भटकाते रहते हैं। देखिए, जहाँ तक संबित पात्रा का सवाल है, संबित पात्रा
अच्छी नौटंकी में कलाकार का काम कर सकते हैं, और उसके अलावा उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ना कोई वो थिंकर है, ना कोई राजनीतिक सोच है उनको, उनको जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं एक्ट करके, एक्टिंग करके अपनी विचारधारा को हमेशा टीवी और चैनलों के माध्यम से वो डिबेट किया करते हैं, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसान को, मतलब किसान को माफ़ करने के, कर्ज़ा माफ़ करने के लिए कमिटमेंट किया गया था, 6 महीने के बाद में वो कर्ज़ा माफ़ नहीं हुआ, फिर आज़ाद मैदान में अभी फिलहाल एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी कोई मतलब सीएम ने मतलब कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो इसके बारे में क्या बोलना है? किसान को माफ़ करने का कमिटमेंट किया था बीजेपी। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में हर साल महाराष्ट्र में 4 अधिवेशन होते हैं। पिछले 4.5 साल से सभी अधिवेशनों में हम लोगों ने असेंबली के इजलास में महाराष्ट्र के किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए, सरकार ने जो वादा किया था उसको निभाना चाहिए, महाराष्ट्र के किसानों को सही दाम मिलना चाहिए, तमाम सारी बातों को हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन ये सरकार सिर्फ वादे पे वादा, झूठ पे झूठ, इसके अलावा कुछ इस सरकार के पास बचा नहीं है। आज भी महाराष्ट्र के किसानों को, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ने कई बार कर्जा माफ़ करने का ऐलान किया है, लेकिन उसका फ़ायदा महाराष्ट्र के किसानों को आज तक नहीं मिला है। अभी 4 दिन पहले उन्होंने फैसला किया कि हम महाराष्ट्र में जो प्याज के किसान हैं, जो प्याज कांदा बना पकाते हैं, पैदा करते हैं, उनका जो लॉस हुआ है उनको हम पैसा देंगे, लेकिन अखबारों में सिर्फ घोषणा। अब महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के लोग ये कहने लगे हैं कि ये घोषणाबाज सरकार है, सिर्फ आश्वासन देती है, घोषणा करती है, इम्प्लीमेंट नहीं है, ग्राउंड रियलिटी में जमीनी सतह पर उसका अमल नहीं हो रहा है। इससे पहले, मतलब इससे पहले कांग्रेस आईटी सेल ऐसा कोई पैनल नहीं था, बीजेपी आईटी सेल आने के बाद में ये कांग्रेस आईटी सेल बनाया गया। नहीं, आईटी सेल जिस तरह से आईटी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जमाना जैसे जैसे देश में आ रहा है, और ये लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस देश में इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है, कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है, तो कांग्रेस अपने तौर पर शुरू से ही इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है और काम कर रही है। सर, लास्ट टाइम गणेश चतुर्थी पे आपने पैसे उड़ाए गए, उसमें मतलब काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल में थे, तो उसके बारे में क्या बोलें? अब वो बातें मैं कई बार साफ कर चुका हूँ कि मैं एक राजकीय क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं एक राजनीतिक हूँ, मुझे हर कार्यक्रमों में हर जगह पे लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आना जाना पड़ता है, और सभी लोगों की, सभी समाज के लोगों की अपने अपनी धार्मिक त्योहारों को मनाने की परंपराएं अलग अलग हैं। वो गुजराती समाज का कार्यक्रम था, उनकी एक परंपराएं अलग थी कि उनके यहाँ जो मेहमान आता है उसके ऊपर पैसे वारे जाते हैं, तो वो सब उन्होंने किया, और वो पैसा अच्छे कामों में कब में वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो हुआ था, और उसके बारे में मैंने कई बार बात की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को कैसे बदनाम किया जाए? प्रोपेगेंडा तंत्र इनके पास इतना मजबूत है कि कैसे प्रोपेगेंडा करके और उसका दुष्प्रचार किया जाए, ये हमेशा वो करते रहते हैं। हम लोगों को, हम लोगों की सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। थैंक यू सर, लिमरा टाइम्स से बात करने के लिए थैंक्स। ओके, लिमरा टाइम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, तेज ताज़ा खबरों के लिए।